हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है हुंडई की प्रीमियम और पॉपुलर हैचबैक i20। और ये इसका स्पोर्ट वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट। और इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे ना तो ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, उसके साथ आपको लग्जरी फीचर्स भी मिल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट आया है, तो इसमें छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं और कुछ तो मेजर चेंजेस भी हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके पूरे फ्रंट व्यू की बात करूँ ना, तो इसमें आपको कोई डायमेंशन से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं है। तो इस गाड़ी की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो पहले थी वही है। और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 8,33,000 रुपये। और आज मैं हूँ सुरजीत, हुंडई कोलार रोड भोपाल में। तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 9.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब एक बार हम इस गाड़ी के पूरे फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। बोनट एरिया के ऊपर देखेंगे तो पहले भी आपको इसी टाइप का डिज़ाइन मिलता था, लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपको पहले लोगो मिलता था यहाँ पे ग्रिल के ऊपर, अभी ऊपर कर दिया गया है। नीचे देखेंगे तो उसी टाइप से ग्रिल है। और पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। यहीं पे आपको हाइलोजन में लो बीम और हाई बीम के लिए बल्ब मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा आप देखेंगे ना तो DRL चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 आपको LED मिलती हैं और इसका डिज़ाइन भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, देखने में बहुत प्यारा लगता है। और एक चीज़ और है, इस गाड़ी से फॉग लैम्प रिमूव कर दिया गया है। और नीचे देखेंगे तो ये आपको फ्रंट का बम्पर पूरा सिल्वर कलर पे मिलता है, जो पहले आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता था। पूरा अगर आप फ्रंट का व्यू देखेंगे तो लोगो ऊपर कर दिया गया है, DRL चेंज कर दिया गया है और फॉग लैम्प हटा दिया गया है। नीचे थोड़ा सा सिल्वर कलर कर दिया गया है और कुछ भी चेंज नहीं है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइपर और वॉफर मिल जाता है, जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद हम इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी आपको डायमेंशन में चेंज नहीं किया गया है। टायर देखेंगे तो 16 इंच का ही मिलता है, लेकिन पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है इसका। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ये ऐसा लगता है कि एलॉय व्हील है, लेकिन ये कवर ही है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है। अब आपको एलॉय व्हील लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही आपको एलॉय व्हील वाला लुक दे देता है। ऊपर कवर ही है, लेकिन स्टाइल व्हील देखने में गजब का लगता है यार, मतलब। और आगे देखेंगे तो डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, तो ऑटो की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी कलर में ORBM है और यहीं पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे विंडो एरिया के नीचे पूरा क्रोम का यूज किया गया, देखने में बहुत प्यारा लगता है, पूरा लास्ट तक है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाते हैं। और पीछे वाले टायर में देखेंगे तो ड्रम ब्रेक है और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। लेकिन इसका डिज़ाइन सच में अच्छा लगता है यार, मतलब दूर से अगर देखेंगे ना तो पूरा ही अलॉय व्हील वाला लुक देता है। और साइड में देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद आप पीछे का पूरा रियर का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे पूरा आपको टेल लैम्प मिलता है जेड शेप में, ये LED का यूज किया गया है और ये तो आप जानते हैं कि जब ये ऑन होता है ना तो गजब का लुक देता है। नीचे आपको क्रोम का यूज किया गया है। ये बार आप रिफ्लेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसे फ्रंट में मिलता है उसी टाइप से पीछे भी डिज़ाइन मिलता है। पीछे आपको ये जो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता था पहले, वो आपको पूरा सिल्वर कलर पर दिया गया है। आपको सिल्वर पे ही यहाँ पे स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाती है। और लोगो आप देखेंगे ना, पहले क्रोम पे मिलता था, अब ये पूरा सिल्वर पे कर दिया गया है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्रोम की पट्टी मिल जाती है, i20 की बैजिंग दी गई है। ओवरऑल अगर आप पूरा लुक देखेंगे ना तो छोटे मोटे चेंजेस ही हैं एक्सटीरियर में, लेकिन देखने में प्यारी लग रही है गाड़ी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको डिफॉगर और मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलता। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप है और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। जैसे ये सेकंड टॉप वेरिएंट है ना तो भरपूर फीचर्स मिल जाते हैं। अब एक बार हम इसका इंटीरियर का लुक देखते हैं, क्योंकि अंदर ही सारी चीज़ें चेंज करी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पूरा डुअल टोन पर कर दिया गया है, जो पहले आपको सिंगल टोन पर मिलता था कलर। यहाँ पर देखेंगे तो डार्क और बीच कलर का यूज किया गया है, पहले पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलता था, स्पोर्टी फील होता था। क्रोम पे आपको डार्क क्रोम पे ओपनर मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, जैसे ORBM को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट दोनों ही कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो ड्राइवर साइड को आप ऑटो डाउन कर सकते हैं, ऑटो अप करने का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच नहीं है, अच्छा लगता है। नीचे 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है। यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है और ऊपर ट्विटर दिया गया है। म्यूजिक क्वालिटी तो गजब की है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का पूरा सेटअप है, पूरा धमाकेदार आवाज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी सीट पे। सीट देखेंगे तो डुअल टोन पे, जैसे डार्क और बीच कलर पे कर दी गई है, देखने में थोड़ा सा प्रीमियम लगती है। ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आगे के दोनों। सीट पूरी बकेट टाइप से, इसमें अगर आप बैठेंगे ड्राइव करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होती। सीट तो अच्छी खासी आपको कुशनिंग वाली, कम्फर्ट वाली मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थाई सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे ना तो ओके ओके मिल जाता है।
दोनों साइड देखेंगे तो ब्लैक कलर है और बीच बीच में आपको लाइट कलर बीच कलर मिल जाते हैं, देखने में अच्छा लगता है। और सीट के साइड में देखेंगे तो आपको एयरबैग भी मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। और इस गाड़ी में अब आपको बेस वेरियंट से ही 6 एयरबैग दे दिए गए हैं। नीचे देखेंगे तो हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखेंगे तो छोटे मोटे चेंजेस हैं, ज़्यादा बड़ा चेंज कुछ नहीं है, लेकिन प्रीमियम तो गाड़ी पहले से ही लग रही थी। यहाँ पे देखेंगे तो एसी मिल जाता है। नीचे देखेंगे जो सेफ्टी वाले ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइविंग कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और नीचे आपको एक्सीलेटर और ब्रेक का पैडल मिल जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वाला वेरियंट है और यहीं पर आप बोनट ओपन कर सकते हैं। इंजन में ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताता हूँ। सीट को मैंने पूरा ही पीछे कर लिया था। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे ना तो पूरा क्रेटा वाला लगता है, फ्लैट बॉटम वाला दे दिया गया है। डिकट देखने में गजब का लगता है, बीच में लोगो मिल जाता है सिल्वर पे, और नीचे आपको हॉर्न मिल जाता है और एयरबैग। और यहाँ पे देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया गया है। और इधर देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस गाड़ी में, और पूरा MID को कंट्रोल करने के लिए पूरा बटरफ्लाई टाइप से स्टीयरिंग व्हील है। और अगर मैं इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, और ये टेलीस्कोपिक नहीं हो रहा है, यानी आगे पीछे नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बेस वेरिएंट में तो है, एक बार मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें हो नहीं रहा। इधर देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल है, और इधर देखेंगे तो पूरा हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। पूरा आप MID देखेंगे तो पूरा ही डिजिटल दिया गया है, देखने में गजब की लगती है। ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक चीज़ और है, इसमें TPMS भी ऐड कर दिया गया है। पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे तो 8 इंच का है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। और डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। नीचे AC दिया गया है, बीच में हजार्ड बटन है, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और नीचे जो बटन यूज करी गई है ना वन टच वाली, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर आप इनको यूज करते हैं ना तो बहुत प्रैक्टिकल बटन है। नीचे आपको C टाइप, 12 वोल्ट का सॉकेट और USB सब कुछ मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो छोटी मोटी भी जगह है, यहाँ पे मोबाइल या कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है, देखने में ये भी प्रीमियम लगता है यार। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हैं। हैंड ब्रेक मिल जाता है डार्क टिप के साथ, 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। इसको आप फ्लाइट नहीं कर सकते, फिक्स है, छोटी मोटी जगह भी है अंदर। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल IRBM मिल जाता है। ऊपर सनग्लॉस होल्डर है, जो पहले भी आपको मिलता था, अभी भी दे दिया गया है। और यहीं पे आपको मिल जाता है ये कैबिन लाइट, ये देखेंगे तो हाइलोजन में है, लेकिन रोशनी अच्छी खासी मिल जाती है। इधर देखेंगे तो वैनिटी मिरर भी है, और ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे मिरर नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया है। उसके बाद आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, एडजस्टेबल वाला है। पूरा अगर आप डिज़ाइन देखेंगे ना फ्रंट का, पूरा डैशबोर्ड का, तो पहले थोड़ा सा फ्लैट लगता था, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे एजस्ट टाइप से है, तो देखने में और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, डुअल टोन की वजह से थोड़ा सा एरिया फील होने लगा है, अंदर ज़्यादा स्पेस लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स दिया गया है, अंदर कूलिंग वाला फीचर भी है, तो इसमें आप अपनी ड्रिंक वगैरह कूल कर सकते हैं। अब एक बार मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ, तो इस गाड़ी में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग बेस वेरियंट से मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS प्लस ABD, TPMS, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। ये तो हो गई ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की कहानी। अब एक बार हम पीछे का डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट डोर की तरह डुअल टोन पे है चीज़ें, प्रीमियम तो लग रही है यार, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसकी सीट पे, आगे की तरह पीछे भी आपको सीट भी डुअल टोन पे मिल रही है, डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। और आपको 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं पीछे, पहले 3 मिलते थे, अभी 2 मिल रहे हैं। जैसे मेरे पास बेस वेरिएंट है मैग्ना, तो इसमें 3 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही मिल रहे हैं। i20 की सीट में आप कोई शिकायत नहीं कर सकते, गजब का अंदर स्पेस मिलता है यार, 3 लोग तो आराम से बैठते हैं चौड़े होके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पीछे देखेंगे तो AC भी दिया गया है पूरा, ये पहले ब्लैक कलर पे रहता था, लेकिन यहाँ पे बीज कलर है। नीचे चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। AC तो कूलिंग तो बहुत गजब की है यार, इसमें कोई शक नहीं है, गजब की कूलिंग मिलती है, क्योंकि मेरे पास इसका है मैग्ना वेरिएंट, तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। बीच में आपको कैबिन लाइट भी मिल जाती है, एडजस्टेबल आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा, जो देखने में प्रीमियम लगता है। पहले पूरा डार्क कलर रहता था, लेकिन अब बीज कलर की वजह से अंदर एरिया ज़्यादा फील होने लगा है। ये तो हो गई गाड़ी के अंदर और बाहर की पूरी कहानी। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BF652 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो IVTEC की ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। और इस इंजन से आपको लगभग 21 KMPL की माइलेज भी मिल जाती है। एक बार इस गाड़ी का पूरा लुक देखिए, जैसे साइड में देखेंगे तो एलॉय व्हील का डिज़ाइन, ये एलॉय व्हील नहीं है, स्टाइल व्हील है, लेकिन देखने में गजब का लगता है।
छोटे मोटे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा शानदार लगने लगी। और जो सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी में सेफ्टी, अभी आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से मिलने लगे हैं। अगर आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 95,000 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसे अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं तो उसकी एक शोरूम प्राइस है 8,32,000 रुपये और ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट की प्राइस है 9,37,000 रुपये। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।